नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे। ब्रिटिश काल में बने वर्तमान संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। आज होने वाले कार्यक्रम का दूरदर्शन और लोकसभा टीवी पर सीधा प्रसारण होगा। संसद भवन के शिलान्यास समारोह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदेशों को पढ़ा जाएगा। पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस मौके पर अपना संबोधन देंगे। भूमि पूजन दोपहर 1 बजे शुरू होगा और इसके बाद 1:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना होगी। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी वेलकम स्पीच देंगे। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। समारोह की शुरुआत दोपहर 12:55 पर होगी। फिर 1 बजे पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद 1:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना होगी। आपको बता दें, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने पीएम आवास पहुंचकर उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया था। बता दें कि नए भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जा रहा है, जिसका ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है, जिसके बारे में ओम बिरला ने कहा था कि 75वें स्वतंत्रता दिवस तक नया संसद भवन तैयार हो जाएगा। नए संसद भवन के बारे में ओम बिरला ने बताया कि ये भवन आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा मंदिर होगा जो राष्ट्र की विविधता को दर्शाएगा। इसे 971 करोड़ रुपए की लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। ये पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। नए संसद भवन को बनाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ठेका दिया गया है। इसके साथ ही इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से तैयार किया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीटें होंगी और राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। लोकसभा हॉल में 1,224 से ज्यादा सदस्यों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा नए संसद भवन में एक भव्य संविधान कक्ष भी होगा। नई बिल्डिंग में 3 फ्लोर होंगे, जिसमें से एक ग्राउंड फ्लोर जबकि 2 मंजिल उसके ऊपर होंगे। भवन का डिजाइन त्रिकोणीय होगा, जिसका नजारा आसमान से देखने पर 3 रंगों के किरणों वाला होगा। संसद में 2 सीटर बेंच होगा, यानी कि एक टेबल पर 2 सांसद बैठ सकेंगे। हालांकि शिलान्यास के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद समेत कई सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसी भी निर्माण पर फिलहाल रोक लगा रखी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 5 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।